हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। आज मैं आपके लेके आया हूँ कि हम टेस्ट चेक कैसे करें कि स्ट्रेंथ चेक करनी हो ब्रिक्स की जो हमारी साइट पे आई है। तो उसके लिए एक तो होता है हमारा मेटलिक साउंड, एक होती है हमारी स्ट्रेंथ चेक करने का साइट के ऊपर ही, जो एक साइट इंजीनियर जो होता है वो कैसे चेक करेगा वो, और हमें इसकी फेस देखनी होती है कि हर साइड से फेस अच्छा हो, जिससे अगर हम एक साइड फेस लेके चलते हैं थ्रेड से तो दूसरे साइड से जो फेस होगा हमारा वो भी बढ़िया आएगा, और हमारा जो इसके ऊपर प्लास्टर होगा वो अच्छे से होगा। तो पहले तो मैं आपको साउंड चेक करके दिखाता हूँ। मेटलिक साउंड है इसका पूरा, प्रॉपर जो एक मेटलिक साउंड आना चाहिए वो इन ब्रिक्स में आ रहा है। एंड दूसरा आपका शेप, तो इसका प्रॉपर जो स्टैंडर्ड शेप होता है वो है इस ब्रिक का। फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फेस प्रॉपर है। और अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जो साइट इंजीनियर होता है उसको स्ट्रेंथ चेक करने का एक हमारा साइट पे एक हमारा स्टाइल होता है, तो उसको टी बना के आप और एक पॉइंट और होता है, एंड वन मोर पॉइंट इज कि अगर हमें चेक करना है कि हमारी स्ट्रेंथ सही है तो उसको अबाउट 1 मीटर और अपने शोल्डर की हाइट से ब्रिक को नीचे फेंक दो। अगर ब्रिक टूट जाती है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो इससे हमें स्ट्रेंथ पता चल गई है। हमने एक नंबर ब्रिक मंगवाई थी और हमारी एक नंबर ब्रिक की आई है, तो ये क्वालिटी चेक होता है साइट पे ही। और दूसरा हमारा होता है एक जो हमें लैब में टेस्ट करते हैं, वो भी हमारा फील्ड पे ही हो जाता है, उसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।